Hey yo, what is up people, welcome back to the channel and I hope you all are doing great. And yeah, bahut din ke baad video bana raha hai. Since bahut busy schedule hai isliye vlog nahi bana pata hai. And yeah, right now I am at Guwahati. So abhi hum mere Fiji ka terrace mein aaya hua hai. So mera terrace Fiji ka terrace se kuch nazara aisa dikhta hai. एंड ये जो दूसरे साइड में ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये भी हम लोग का पीजी है. लास्ट टाइम मतलब ये बिल्डिंग में शिफ्ट करने से पहले हम ये नीचे ला ये वो जो बाइक स्कूटी के सामने जो रूम है ना उसी पे हम बैठता था. तो उस पर बहुत गर्म लगता था समर में, इसलिए हम यहाँ में शिफ्ट कर लिया. तो अभी आप सबको तेजी से पता चल ही गया होगा कि अभी आज हम लोग गंधी मंडप जा रहे हैं. एंड या गंधी मंडप से गुवाहाटी सिटी का नज़ारा बहुत अच्छा से दिखते वाले. हम भी पहली बार जा रहे हैं. सो मेरा एक फ्रेंड राणा वो उसके साथ जा रहा है. राणा ही इज़ फ्रॉम यूपी एंड अनिता भी साथ में जा रहा है. शी इज़ फ्रॉम मणिपुर. सो या राणा तो पहले गया हुआ है. सो आज वो हम दोनों को गाइड अनिता दी हम दोनों को गाइड करेगा. ऑलराइट, सो अभी हम लोग गंधी मंडप के लिए निकल गया. एक्चुअली बहुत पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, सो बहुत थक गया. एंड या यहाँ पे मतलब बहुत सारा गच्ची लोग है ना, इसलिए थोड़ा रिफ्रेशिंग है. नहीं तो बहुत तक जाना था, धूप बहुत आना था ना. एंड या ये जगह जो अगर रास्ता भी बहुत सुंदर ही है. सो आप लोग अगर यहाँ का मतलब रास्ता भी बहुत भरी है, तो आप लोग अगर यहाँ पे रास्ता पे भी चिल करना है तो ये साइड पे बैठ के चिल कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वो सब लेके. से हाय टू माय व्लॉग, दिस इज मिस्टर राणा एंड अनिता दी. क्यों शर्म कर रहे हैं आप दोनों इतना? आप दोनों शर्म करके हमको भी पूरा नर्वस करा रहे हैं. शर्म तो नहीं कर रहे. यहाँ से कितना दूर है? और यहाँ से और थोड़ा टाइम लगेगा बस. यहाँ से सिर्फ गंधी मंडप जो 1500 मीटर, सिर्फ नहीं 1500 मीटर बहुत ज़्यादा है. फिर भी अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. सो या अब मेरा फ्रेंड अनिता दी और राणा दोनों आगे निकल गए. नहीं लेगा? हाँ नहीं लेगा. एंड फाइनली वी आर हियर, गंधी मंडप पहुंच गया. ये गेट है एंट्रेंस. बहुत मेहनत करके आए रहे यहाँ तक. वाह, यहाँ से देख के जाते हैं ना. वाटर एटीएम हम पहली बार देखा रहे हैं. कैसे लेते पानी यहाँ से? बोतल, ग्लास, बोतल नहीं है तो मतलब. ओह अच्छा अच्छा, खुद का बोतल होना पड़ेगा ना. एंड मतलब कितना कॉइन कितना डालना पड़ता है? अरे इंसर्ट वन, चेक द प्राइसेस. ओह रुपीस वन 300 बहुत अच्छा है. तो 5 रुपये का 1 लीटर मिल जाता है. चिल्ड चिल्ड होता है ये. यस चिल्ड वाटर. बहुत बड़े है, पहली बार देखा था. एम्प्टी दिस वन. अभी बोतल तो नहीं है, पहले पांडा को पी के खाली करना पड़ेगा. ये खाली करके ये जो टॉलेस्ट वाला ना इंडिया थर्ड टॉलेस्ट, हम सेकंड सोचा था. ये जो आप पोल देख रहे हैं ना, पोल, तो ये इंडिया में हाँ थर्ड हाईएस्ट फ्लैग पोस्ट है ना. बहुत ऊंचा है. यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त वो सब में ही फ्लैग होस्ट होते हैं ना. और फ्लैग भी बहुत बड़ा होता है गांधी जयंती में. ओ हाँ, और गांधी जयंती में बहुत बड़े बहुत रिफ्रेशिंग है रहे हैं यहाँ पे. वो वाला देखो ना, स्टेडियम इतना अच्छा लग रहा है. कौन सा स्टेडियम है? इंडोर स्टेडियम है. कौन सा? इस्लामपुर का. इस्लामपुर मतलब वो एरिया इस्लामपुर है ना, वो बी बोर्डवा के सामने है. तुम्हारे जूम नहीं आता है ना जूते में? इस रास्ते से आ जाते हैं.
पूरा दिख रहा है वो है उमानंद कौन सा वो वाला शायद इसमें से कितना अपार्टमेंट तुम्हारे वाले इसमें से जितना भी दिखाई दे रहा है ना ये जितना भी अपार्टमेंट भरा वाला दिखाई दे रहा है वो पूरा राना का वाला इवन द स्टेडियम या इवन द स्टेडियम वो उधर पे एक स्टेडियम है शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा आई एम ए रिच मैन बट आई डोंट लाइक टू शो ऑफ अच्छी जगह फोटो उधर खींचेगा ना फोटो खींचेगा ना कब से हम ये छः महीने का राशन इतना इतना दूर हमें फोटो खींचता है बिना फोटो खींच के जाने से तो ना इंसाफी हो जाएगा ना इंस्टाग्राम रील चल रहा है ये तो सदस्य बड़ा रहे हैं ऐसे देखना इस पे हॉस्टिंग कैसा होता होगा वो ये रस्सी दिया हुआ है ना ये मैकेनिकल हुआ ना हाँ वो तो है प्लेग भी तो बहुत बड़ा होना पड़ेगा इसके लिए बहुत बड़ा है मतलब जो बेडशीट होता है ना उससे तो बड़ा होना चाहिए उससे भी बड़ा होना एंड ये जो एक्चुअली म्यूजियम है बोला है तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का रिलेटेड जो भी उसका बिलोंगिंग्स है वो सब है बोलते हैं तो अभी तो फिलहाल बंद है वाला है गुवाहाटी में रहा वाला पूरा एक साल हो गया मेरा यार इतना बढ़िया जगह हम छोड़ के कभी नहीं आए थे बुला रहा था मेरा क्यों मारा है अरे अरे बंदा अरे ओए ओए कहाँ जा रहे हैं वेर यू गोइंग वेर यू गोइंग ए मैन मैं समझता ये लोग हे प्रिमिटिव मैन बोलो ना ओए आगे ले ले ना अनिता देवी बहुत डर रही है फोन को ले लेगा और फोन को लेके वो लोग क्या करे सेल्फी खींचेगा क्या वाटर एटीएम ओ ये नॉर्मल के लिए अलग है ये चिल वाला के लिए अलग है ना फॉर कोल्ड वाटर यहाँ पे जो ये रुपीस वन का 300 ml है ना यहाँ पे रुपीस वन का 300 rupees मिल जाने से बढ़िया होना था ना वाटर वाटर 300 हाँ अयो क्या हो गया ऐसे क्या पहले एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लो के साथ सावधान नहीं साधारण पानी बाबे यार मुद्रा भराब यहाँ पे बोतल को घुसा के रखना पड़ेगा क्या पानी 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 ऐसे निकाल दे इधर सब लोग कभी ट्राई नहीं किया डालो ये क्या कैसा है टीम आई थिंक बंद है क्या पानी है भाई पानी नहीं पानी भरो फ्लॉप हो गया नेक्स्ट टाइम भी आना पड़ेगा इसको करने के लिए फिर नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा चल घर में क्या ही होगा मेरा अभी हम लोग वाटर एटीएम से पानी निकलेगा चलो पानी नहीं वाला हम लोग कोई भी कभी ट्राई नहीं किया वाटर आइटम और ये कॉइन डालो तो कॉइन भी डालने नहीं आते कॉइन डालते फिर वापस नीचे तो निकाल आते वी आर ऑल फ्रॉम विलेज हम विलेज से नहीं हैं हम बहुत बड़ा सिटी से एक फोटो खींचने तो ऑलराइट गाइस सो आज का ब्लॉग में इतना ही है आपको कुछ कहना है नहीं इट वाज गुड सब्सक्राइब लाइक कर दो कुछ तो बोलो सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट ऑन कोच टाडोस केटी फैंस ठीक है अनिता दी कुछ बोलना है आपको कैसा लगा आपका अच्छा लगा क्योंकि वो पानी का जो नहीं निकला वो तो एटीएम ना तो हम लोग बाद में हम लोग ऐसा डिस्कस किया कि मतलब वाटर आइटम और एक बार देखने आएगा मतलब जब पानी आएगा क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया ना तो इसलिए उसको ट्राई करने आएगा सो
सो या यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू सो मच.